सुप्रभातम 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 आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं सो वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा यूएस इकोनॉमी के बारे में पहले बात कर लेंगे जिसमें ईयर जिसे यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो फोर पॉइंट थ्री टू परसेंट तक ये येल जा चुकी है सो so यहाँ पे जो इनिशियल या फिर अर्ली रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कही कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है यही इसमें से एक इंडिकेशन सामने आ रहा है एंड डेफिनेटली इट विल हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल मतलब थोड़ी एग्रेसिवली रिकवरी अब रिकवरी किस लिए चाहिए होती है कि जब रिसेशन आए स्लो डाउन आए तब रेट कट हो उसमें रिकवरी चाहिए बट आई थिंक फॉर अस इमर्जिंग मार्केट स्पेसिफिकली कि डेवलप मार्केट्स के इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट

Kenya तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है इसके पीछे के रीजन क्या है तो आई थिंक एक तो हाइयर इंटरेस्ट रेट्स इन डेवलप मार्केट्स ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि अगर बेंचमार्क रेट के तरीके से देखा जाता है यूएस में स्पेसिफिकली पॉलिसी रेट्स की रेंज में तो वहां पे इमरजिंग मार्केट का प्रॉब्लम वही होगा एंड दीज हाइयर इमर्जिंग इकोनॉमीज सो लास्ट तीस साल का अगर हम ग्रोथ रेट देखते तो उसके कंपेरिजन में एक अच्छा खासा फॉल और मोस्ट पॉइंट 5 टू परसेंट तक ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में फॉल अथवा दिख रहा है द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग दिस पॉलिसीज कि इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो ग्रोथ रेट से वो बहुत ज्यादा यहाँ से इंपैक्ट हो सकते हैं सो ग्लोबल ग्रोथ जो 2025 में एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड 2.4% और यही नंबर हम अगर लास्ट 14 साल या 10 साल 2010 वाला जो डिकेड है 2010 टू 2020 वाला जो डिकेड है उसमें अगर हम देखते हैं तो वो 3.1% परसेंट था तो ऑलमोस्ट परसेंट से ये नंबर नीचे जा चुका है और ये uh, 2024 से 2000 सॉरी uh, 2020 से 2024 ये जो पांच साल का जो ग्रोथ आया था ये सबसे लोएस्ट था इन लास्ट 30 इयर्स अगर पांच पांच साल के हम फेजेस uh, देखते हैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आई थिंक दैट इज अ बिग कंसर्न स्पेसिफिकली आई थिंक इम्पैक्ट आफ्टर कोविड नाइनटीन ऑन द इमरॉमीज बहुत ज्यादा है एंड बी अल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट तो यहाँ पे यह जो छोटी छोटी कंट्रीज है इकोनॉमीज है तो वहां पर री स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट हो सकता है स्पेसिफिकली डिस्ट्रेस्ड कंट्रीज को जी ट्वेंटी के कंट्रीज थोड़ा हेल्प कर सकते वी हेव ऑलरेडी सीन कि कैसे श्रीलंका में चीजें हो रही है जहाँ पे एक सपोर्ट आया या फिर पाकिस्तान में जो चीजें हो रही है वो एक चीजें सपोर्ट वहाँ ग्लोबल बड़ी इकोनॉमीज या फिर आईएमएफ जैसी संस्थाएं कर रही है प्लस अभी मालदीव्स का भी जो प्रॉब्लम सामने आ रहा है सो आई थिंक दीज थिंग्स विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दीज स्मॉलर इकोनॉमीज और वहां पे थोड़ा ये बड़े इकोनॉमीज को सपोर्ट करना ही पड़ेगा अब इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि जहां पे मिक्स्ड डेटा सामने आ रहा है सो so, uh, जो मतलब ग्रोथ के नंबर है वो अच्छे आ रहे अनइंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स कम हो रहे इन्फ्लेशन जो है वो वहां पे uh, ज्यादा लेवल पे चल रहा है एंड दैट अ कॉल टोल ऑन द इंटरेस्ट रेट कट्स एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ओवरऑल uh, जी तो अच्छी कर रही है बट सीपीआई के नंबर्स, रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स ऊपर आना लेबर मार्केट का अच्छा होना ये सारे जो है वो थोड़ा सा मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। रिटेल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे रिटेल सेल्स एक्चुअली घटा है बाय पॉइंट एट जीरो परसेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब इसका रीजन क्या दिया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी या ग्रोथ नहीं तो वेदर कंडीशंस बैड वेदर कंडीशंस एक्चुअली इंपैक्टेड रिटेल सेल्स एक इम्पेक्टेड सामने आया है जीडीपी ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेशंस थे उसको एक्सीड करते हुए आ जी डी पी के नंबर्स तो आई थिंक ऑल दो थिंग्स आर एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी ले मतलब इंटरेस्ट रेट कट्स के एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन होता हुआ यहां पे दिख रहा है एंड दैट इज द वन थिंग जो मार्केट्स को थोड़े से ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है सो देखते हैं, लेट्स सी अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे एंड आप लोगों के लिए इंटरेस्ट का टॉपिक ये हो सकता है कि इस साल के अप्रेजल कैसे रह सकते हैं तो एक इंडस्ट्री वाइड एक सर्वे किया गया मोर देन आई थिंक फोर्टी फाइव इंडस्ट्रीज को uh, यहाँ पे केटर किया गया फोर्टीन हंड्रेड एंड फोर्टीन कंपनीज को भी इस सर्वे में इंक्लूड किया गया तो सर्वे के कुछ हाईलाइट से जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं आई थिंक दिस थिंग विल इंटरेस्ट यू एवरेज पे हाइक जो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस साल दैट इज 9.5%. टॉप परफॉर्मर्स जो होंगे उनको 1.74 टाइम्स ऑफ दिस 9.5 यानी कि 17 से 18 परसेंट तक की हाइक मिल सकती है लोएस्ट पे हाइक्स जो है मतलब कंपेयर टू 2021 ये लोएस्ट पे हाइक है मतलब 2021 में ही 9.3 परसेंट की पे हाइक हुई थी उसके बाद ये नंबर लोएस्ट है रियल वेज ग्रोथ जो होगा अब इन्फ्लेशन का अगर हम एडजस्ट कर देते इस पे में तो प्रोजेक्टेड रियल वेज ग्रोथ इज इज गोइंग टू बी 4.9 परसेंट लास्ट ईयर रियल वेज ग्रोथ वाज 4.2 परसेंट मतलब जो आप आपको एक्चुअल पे हाइक मिलेगी उसमें से रिटेल इन्फ्लेशन को आप नंबर को आप माइनस कर दीजिए दैट इज द रियल वेज ग्रोथ यू विल हैव देन uh, एक्सपेक्टेडर्स uh, among, among की अगर हम बात करते हैं तो नॉन बैंक की, की बात करें हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टेन पॉइंट लाइफ साइंसेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नाइन पॉइंट एट परसेंट ई कॉमर्स फॉर्म नाइन पॉइंट टू परसेंट आई टी सर्विसेस एट पॉइंट टू परसेंट सो दीज आर गोइंग टू बी फ्यू uh, मतलब थोड़े इंडस्ट्रीज के में से जो हाईलाइट है वो यहाँ पे नजर आ रहे सो एजुकेशन बेस्ड फिनटेक्स एंड एनबीएफ जो है वहां पे थोड़ा सा साइ हा, जो होते हैं वो थोड़ा सा हाईर साइड में हो सकते हैं प्राइवेट लेंडर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं सो दे आर फेसिंग फेसिंग हाई एम्प्लॉय कॉस्ट सो वहा वहां पे मतलब रिसेंटली uh, हमने देखा भी है कि जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ हुई है सो so डेफिनेटली वहां पे क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स अच्छे थे तो वहां थोड़ा सा चर्निंग भी हो सकता है एट्रिशन के लेवल्स भी थोड़े से वहां पे ज्यादा हो सकते हैं uh, यहाँ पे भले ही चैलेंजेस है ओवरऑल बट ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है कंपनीज आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द डोमेस्टिक डिमांड स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स में प्रॉब्लम है जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोज्ड है स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स टू यूएस एंड यूरोप तो वहां पे थोड़ा सा जो उन सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे पे हाइक्स थोड़े से कम हो सकते हैं सो दैट्स बाकी देखते हैं अभी अगर इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं तो वो एक बहुत बढ़िया डिमांड पुश कर सकता है वो चीज अगर वो हो जाएगा सो आई थिंक दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन ओवरऑल पे हाइक्स ऑल्सो नाउ थोड़ा सा इंडियन ऑयल एक्सपोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे इंटरेस्टिंग तो चीज सामने आई है कि इंडिया में जो क्रूड ऑयल आ रहा है रशिया से उन क्रूड ऑयल के जो फिनिश प्रोडक्ट्स है मतलब जो उनपे जो आ, मतलब प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीजें होती है तो वहां पे आ, जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मतलब यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ें मतलब रशिया पे सैक्शंस लगाए गए हैं कि रशिया से सिक्सटी डॉलर पर बैरल का ही ऑयल का एक्सपोर्ट लिया जाएगा फ्रॉम द जी सेवन कंट्रीज एंड फ्यू अदर कंट्रीज ऑल्सो बिच डेड यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो बट रशिया से इंडिया में ऑयल आता है उस पर प्रोसेसिंग होती है और वो जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम इन जी कंट्रीज को नजर नहीं आ रहा है Over ही डिराइव किए जा रहे हैं मतलब uh, कभी कभी वो जो बोलते है ना कि बिल्ली जब दूध पीती है उसको लगता है आंखें बंद है तो कोई देख नहीं रहा है तो उस तरीके की हरकत है ये जी सेवन कंट्रीज से मतलब अल्टीमेटली यू कांट सर्वाइव विथ हाइयर एनर्जी कॉस्ट सो so, फिर भाई मैं हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे आप हमें आप इधर से इधर भेजो उधर से हम हमारे पास भेज दो एंड फिर हम उसको कंज्यूम करेंगे आप लोगों का इस पे क्या थॉट प्रोसेस है ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई नो दैट इंटरेस्टिंग थॉट्स विल विल गेट मतलब वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे जॉफ्रीज की एक रिपोर्ट आई है क्रिस वूड ने उसको बारे में स्पेसिफिकली बोला है एंड दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर माइक्रो इकोनॉमिक या फिर स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसका जो इंडिया के माइक्रो इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट है वो काफी पॉजिटिव है ऐसा उनको लगता है स्पेसिफिकली फ्यू अचीवमेंट्स uh, उन्होंने मेंशन की है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने गवर्नमेंट की तरफ से देखा है वो कमिटमेंट ईयर ऑन ईयर जो बढ़ती जा रही है आई थिंक दैट इज एक्टिंग रियली वेल फॉर इंडियाज माइक्रो इकोनॉमी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सिंग एक्ट जो पास हुई थी टू में आई थिंक दैट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेसिफिकली इन दी एनपीएस बैंक्स में जो एनपीएस आ रहे थे और

Uh, एक ब्लू कॉलर का जो ब्लू कॉलर वर्कर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है सो आई थिंक ये सेक्टर रिवाइव होना इज वेरी पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी देन रिगार्डिंग मार्केट्स अगर हम बात करते हैं तो द, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ड्रिवन स्टॉक मार्केट बन चुका है इंडिया का सत्रह हजार करोड़ रुपए की एसआईपी बुक ये जो चल रही है from, uh, Fund, India, from, uh, या फिर उनका अवेयरनेस बढ़ना सेविंग्स पे इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो रही है फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन स्टॉक मार्केट एंड जो इंडिया का प्रोफाइल है ग्लोबल प्रोफाइल Uh, जो है डिप्लोमेसी में वो काफी इंप्रूव हुआ है तो आई थिंक उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया है इस इंटरव्यू में कि इंडिया ग्लोबल प्रोफाइल शुड बी एट्रीब्यूटेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज मार्केटिंग स्किल्स सो आई थिंक जिस तरीके से हम खुद को मार्केट कर रहे हैं अब इस इसमें बहुत सारे लोगों को एक नेगेटिव फैक्टर भी है एंड वी आर लिविंग इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड और स्पेसिफिकली दो तीन महीने पे अगर इलेक्शंस आ चुके हैं

बैलेंस आउट करता हुआ दिख रहा है इंडिया सो दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स अब थोड़ा स्टॉक या, या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात करेंगे जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे क्वार्टर थ्री एफ आई ट्वेंटी फोर के रिजल्ट आए अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी दिखी है मेजरली टू व्हीलर्स है पैसेंजर वेहीक की ग्रोथ भी जो है वो अच्छी रही है बिकॉज ऑफ द प्रीमियम व्हीकल प्रेफरेंस एस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स में थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पे फेस हुए हैं फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो रूरल डिमांड रिकवरी पे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड uh, है फॉर टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स ऑल्सो टू फॉलो इन अ सर्टन वे विद दैट कमर्शियल व्हीकल्स आई थिंक दे आर फेसिंग अलॉट ऑफ चैलेंजेस ट्रैक्टर्स का जो है वो रोड थोड़ा सा बंपी रहेगा मेजर रीजन आई थिंक बेस इफेक्ट जो है के वो ज्यादा प्ले आउट हो रहे सो ऑल थिंग्स विल मैटर इन ऑटो सेक्टर आर सम चैलेंजेस लाइक रेड सी का जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में स्पेसिफिकली टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स में बजाज ऑटो स्पेसिफिकली इज गोइंग टू सफर ऐसा uh, एक रिपोर्ट में माना जा रहा है बाकी ओवरऑल आउटलुक अगर हम बात कर दें तो टू व्हीलर्स एंड एसयूवी सेगमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म अपसाइड पोटेंशियल जो है

और एक भारत जीपीटी नाम का इनिशिएटिव यहां पे लिया जा रहा है जिसमें मॉडल इज नेम्ड एज हनुमान हनुमान ए ये ग्यारह लैंग्वेजेस में ये मॉडल डेवलप होगा ए आई वाला मतलब जैसे चैट जीपीटी है वैसे भारत जीपीटी यहाँ पे आ सकता है दे आर गोइंग टू स्पेसिफिकली टारगेट हेल्थ केयर गवर्नेंस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन सेक्टर्स जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो तमिल और हिंदी लैंग्वेज में पहले आया है सो uh, so ये ग्यारह लैंग्वेजेस में ग्यारह लोकल लैंग्वेजेस में आने वाला है वो कन्वर्ट होगा और उसका एंसर आएगा सो मेजरली आई थिंक यूजर फ्रेंडलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ uh, थोड़ा सा फोकस किया गया है प्लस इट इज डिजाइन टू अकोमोडेट द नीड्स ऑफ द नॉन लिटरेट यूजर्स इन इंडिया ऑल्सो सो वाइड बेस्ड बेस अगर हो

रीजन बिहाइंड आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से asset, uh, का जो ओवरऑल uh, रेटिंग है आई एक्सिस बैंक को यहाँ पे स्टेबल आउटलुक प्रोवाइड किया है और एफर्म किया रेटिंग को एफर्म किया है यहाँ uh, पे कल जो है जो मार्केट गिरे थे कल मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीजन था आई सेक्टर आई थिंक आई टी सेक्टर का खराब परफॉर्म करना कल ये सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे का है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट कट्स के एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा पोस्टपोन होते हुए दिख रहे एंड दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी जो पैसा खर्च करना है जो डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग है कंपनीज की ऑन द आई टी बजे आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकती है एंड दैट हैज्लेड निगेटिवलीक्टर एंड स्टडी वी सॉ समी कंपनी तो कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों एंड मुंबई में हम सिक्सटीन मार्च को एक सेशन ले रहे इफ यू वॉन्ट टू अटेंड दैट ऑफलाइन सेशन तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेंशन की हुई है प्लीज गो एंड बुक योर सीट फॉर सिक्सटींथ मार्च सेशन दिस सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस या हाउ टू मैनेज योर वेल्थ उस पर फोकस इस सेशन में रहने वाला है आशा करूंगा आप जरूर ज्वाइन करोगे तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर बने वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद